तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट एलईडी टीवी में अपना फोटो कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों हम कई सारे जो स्मार्ट टीवी को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको वॉलपेपर को चेंज करना है, आपको किसी भी फोटो को स्मार्ट टीवी में लगाना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपका जो स्मार्ट टीवी है वही आपको ओपन कर देना है और यहाँ से आपको ऐप पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने ऐप पे क्लिक कर दिया है तो आपका स्मार्ट टीवी में किसी भी फोटो लगाना है, अपना जो फोटो को सेट करना है, तो यहाँ से आपको जो फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर का ऐप है वही आपको स्मार्ट टीवी में ओपन कर देना है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो यह से हमने ओपन कर दिया है। तो जैसे आपको ओपन करते हैं तो आपको कई सारे सेटिंग है यह से आपका शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है जो प्लस आइकन है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैं प्लस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो वैसे मेरे भाई आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको क्लिक करते हैं तो आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें जो स्टोरेज आता है आपको उसमें जो पेन ड्राइव लगाना है, तो आपका जो पेन ड्राइव में एसडी कार्ड में कई सारे फोटो है तो उसको आपको लगा देना है और यहाँ से आपको लोकल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड लोकल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो इंटरनल स्टोरेज है जिस फोल्डर में आपका फोटो है वही आपको ओपन करना है। तो गाइस यहाँ से मैंने पेन ड्राइव को लगा के रखा है क्योंकि पेन ड्राइव में हमारा कई सारे फोटो है, तो यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है। तो वैसे आपको ओपन करना है और जिस फोल्डर में आपका फोटो है वही फोल्डर आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ से जो फोटो टीवी का फोल्डर है तो उसमें हमारा कई सारे फोटो है, तो इसी फोल्डर पे यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से फोल्डर पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है, तो आपका जो फोल्डर है यहाँ से आपका ऐड हो जाएगा। तो वैसे आपका फोल्डर को यहाँ से आपको ऐड करना है और इतना आपको सेटिंग करके आपको जो है बैक बैक करने के बाद आपका यहाँ पे आपका जो सेटिंग है टीवी में इसी ऐप में वही आपको ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो वैसे आपको सेटिंग पे क्लिक करके जो स्क्रीन सेवर सेटिंग है वही आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे कई सारे जो सेटिंग है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जो स्टाइल का ऑप्शन है, तो आपका जो फोटो है वही आपको फुल स्क्रीन में रखना चाहते हो तो वैसे आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आपका जो फोटो है यहाँ से आपका स्मार्ट टीवी में यहाँ से आपका सेट हो जाएगा। तो जिस आपने फोल्डर को सिलेक्ट किया है इसी फोल्डर में जितना जो फोटो है यहाँ से आपको सेट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमारा स्मार्ट टीवी में जो वॉलपेपर है अपना जो फोटो है यहाँ से आपको सेट कर सकते हो। तो सही से हमारा जो फोटो है यहाँ से हमारा स्मार्ट टीवी में यहाँ से हमारा सेट हो चुका है। तो वैसे आपको किसी भी फोटो को यहाँ से आपको लगा सकते हो। तो सही से हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ से हमारा सेट हो चुका है। तो चलो मैं आ जाता हूँ बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर को ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको जो टाइम का ऑप्शन है, मान लीजिए आपको 5 सेकंड रखना है तो यहाँ से मैं 3 सेकंड को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जितना सेकंड आपको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से मैंने 5 सेकंड को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो 5 सेकंड हो जाता है तो यहाँ से हमारा दूसरा जो फोटो है यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। तो गाइस स्क्रीन में देख लीजिए कि यहाँ से हमारा वॉलपेपर है यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है। तो आपके हिसाब से किसी भी फोटो को लगाना चाहते हो वो भी आपको स्मार्ट टीवी में, तो वैसे मेरे भाई आपको आसान रख के यहाँ से आपको किसी भी फोटो है यहाँ से आपको लगा सकते हो। तो दोस्तों जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है कि स्मार्ट एलईडी टीवी में अपना फोटो कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।